फिलहाल तो आपको ये पता हुआ कि अगर चंद्रयान 3 को कोई टक्कर देने वाला था तो वो था रूस का चंद्रमा मिशन लूना 25। वहीं इसरो चंद्रयान 3 को चांद पे भेजने के लिए लगभग 42 दिनों का समय लगा देता है। अब बात करें लूना 25 की, तो रूस इसी काम को सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों के अंदर में करने वाला था। लेकिन रूस के लिए दुख की बात तो यह है कि चंद्रमा मिशन लूना 25 क्रेश हो गया है और इसके साथ ही देश का हर सपना चकनाचूर हो गया। इस घटना के साथ ही लोगों को 2019 का वह पल याद आ गया जब भारत का चंद्रयान 2 मिशन क्रेश हो गया था। इस मिशन का सफल होना यह भी बताता है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है। आपको बता दें कि लूना 25 सोमवार को चंद्रमा पर लैंडिंग करनी थी, मगर अब यह एक इतिहास बनकर रह गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने रविवार को कहा कि रूस का चंद्रमा मिशन उस समय विफल हो गया जब उसका अंतरिक्ष लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया और चंद्रमा से टकरा गया। लूना 25 भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले सोमवार को यानी कि 21 अगस्त 2023 को उतरना था। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करनी थी। इस क्रेश की जानकारी रोसकोसमोस की तरफ से तब आई जब एक दिन पहले ही रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने लूना 25 के असामान्य स्थिति में फंसे होने की जानकारी दी थी। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया था कि स्पेस क्राफ्ट से उसका संपर्क टूट गया था क्योंकि वह लैंडिंग से पहले ही कक्षा में चला गया था। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। उसके करीब एक महीने बाद 11 अगस्त को रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया। लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही चंद्रमा की कक्षा में पहुँच गया। यह एक रोबोट था जो शक्तिशाली सोयूज रॉकेट पर सवार होकर चंद्रमा की तरफ रवाना हुआ था। इसे चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। अगर ऐसा सच में हो जाता तो ऐसा करने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन जाता। आपको बता दे कि लूना 25 एक साल के मिशन के लिए चंद्रमा पर गया था और इसका वजन करीब 1750 किलोग्राम था। इसमें कोई रोवर नहीं था लेकिन इसमें 8 पेलोड थे। इनका मकसद मिट्टी की संरचना, ध्रुवीय ब्रह्मांडल में धूल के कणों का अध्ययन करना और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी का पता लगाना था। लूना 25 की असफलता यह बताने के लिए भी काफी है कि चंद्रमा पर साफ लैंडिंग कितनी मुश्किल है। अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है तो फिर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद वह चंद्रमा पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अगर आप इस वीडियो को 23 अगस्त 2023 के बाद देख रहे हैं तब आपको ये पता चल गया होगा कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ या नहीं। इसके बारे में आपको क्या कहना है नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करें।